नमस्कार दोस्तों, आपका जो यह समय है अगले दो दिनों का, इसमें आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आप जाने अनजाने में ऐसी बड़ी गलती कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसीलिए सावधान हो जाए। आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे ही खास सावधानियां के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको समझने की आवश्यकता है और यह बड़ी गलती करने से आप सभी को बचाना होगा। दोस्तों, यह तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जान पूछ करके गलतियां नहीं करता है। जो भी गलतियां करता है वह जाने अनजाने में ही करता है या फिर किसी भूल चूक में उसे है गलतियां हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी की व्यक्तियों की बातों में आकर आपको गलती नहीं करनी है, जानकर अनजान बनकर के भी नहीं करनी है, लेकिन आपके द्वारा की गई गलती आपको जेल तक लेकर जा सकती है, जिनकी हवा खिला सकती है। दोस्तों, इसलिए आपको अपनी इज्जत भी करवानी पड़ सकती है, आपको अपने गरीब मोहल्ले में आप खुद का मजाक बनवा सकते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आज हमारे द्वारा बताई गई खास सावधानी को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 10:49 के बाद से भूलकर भी मत करना यार 3 काम, नहीं तो दोस्तों जिंदगी में इतना बड़ा हड़कंप पहुंचेगी, जीने देखकर दोस्तों आपके पैरों तले जमीन की साख जाएगी, बता दे मित्रों आपका जीवन काल में होगा कुछ ऐसा बड़ा चमत्कार जिन्हें देखकर दोस्तों आसपास के लोग भी कहेंगे कि वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा दोस्तों आपकी जीवन में पिछले 3 सालों से जो भी आपका इच्छा भगवान से आपने मांगे, तो जो भी मनोकामना अपने भगवान से प्रार्थना करके बोले थी, वह केवल श्री राम की कृपा से पूरी होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं होने वाली है। दोस्तों, आपके जीवन में अब जो होने वाला है उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी आंखों से खुशियों के आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 33 कोटि देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हुए। अब आप सोच भी नहीं सकते क्या आपके जीवन में क्या होने वाला है। दोस्तों, आपका यह समय ऐसा बड़ा चमत्कार दिखाएगा कि दोस्तों आपको अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, यह बातें आप बहुत ही लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। दोस्तों, लेकिन अब जो आपके जीवन का समय शुरू होने वाला है वह ऐसा समय है कि आज से पहले कभी ऐसा समय नहीं आया। दोस्तों, अब आपका किस्मत आपका पूरा साथ देगा। आपको अपनी किस्मत से बड़ा ही शिकायत है कि आपका किस्मत कभी साथ नहीं देता है। जो काम बनने वाले होते हैं वह काम भी बिगड़ जाते हैं, आप जिस चीज को प्राप्त करने के बिल्कुल नजदीक होते हैं आखिरी में आकर कुछ ऐसा होता है कि आप उसमें असफलता हाथ लगती है। दोस्तों, ऐसा आपके साथ होता ही है, जिसकी वजह से आप बात ही दुखी रहते हैं। अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें योग्यता नहीं होती, बल्कि कुछ सामान्य बातों का ख्याल नहीं रखने के कारण असफल होते हैं। आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे ही विशेष महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में एक नया परिवर्तन होगा और बजरंगबली सियापति राम का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। इसलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप नजरअंदाज मत करिएगा। आपकी राशि बहुत ही तेजवान राशि है, तो दोस्तों अपनी राशि के लिए एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सतीश श्रद्धा से जय श्री राम जय बजरंग बली जरूर लिखें। सफल लोगों का प्रतिशत काफी कम होता है। हालांकि आपको शायद ही पता हो कि अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें योग्यता नहीं होती, बल्कि कुछ सामान्य बातों का ख्याल नहीं रखने के कारण असफल होते हैं। ऐसे लोग हीनता के शिकार होते हैं, जिससे वे सफलता की दौड़ से खुद ही बाहर होते चले जाते हैं। आज हम आपको उन 8 आदतों के बारे में बता रहे हैं जिनकी वजह से हम असफल हो जाते हैं। यहां हम उन आदतों से उबरने के उपाय भी बता रहे हैं। असफलता को स्वीकारना सफलता की तरफ कदम बढ़ाने की पहली शर्त है। कोई शक नहीं कि असफल होने से अक्सर आप टूट जाते हैं, भले ही वह अधिक या फिर कम समय के लिए हो। अक्सर लोग आपको यह कहते मिलेंगे कि असफलता से ध्यान हटा लो, सफलता मिल सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता से ध्यान हटाने से उसके असर से आप दूर नहीं हो सकते। इसके अलावा दूसरों पर असफलता का ठीकरा फोड़ने से भी आप उससे बेअसर नहीं हो सकते। इसलिए सबसे जरूरी है कि उसे स्वीकार करें। इससे आपके व्यक्तित्व और समझ का दायरा बढ़ता है और सफलता की राह आसान होती है। असफलता को स्वीकार नहीं करने से आप निराशावादी, मूढ़ी, क्रोधी और दुखी बनते चले जाते हैं। इससे सफलता और दूर हो जाती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि असफलताओं का मतलब असफल हो जाना नहीं होता। दुनिया में जितने भी लोग काफी सफल हुए हैं उन्हें अनगिनत असफलताएं झेलनी पड़ी हैं।
आप आज असफल हो गए हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप कल भी असफल ही होंगे। अगर आप खुद को लगातार अपडेट करते रहते हैं तो तय है कि कल आप सफल होंगे। दोस्तों, आपकी असफलता का एक बड़ा कारण है कि रचनात्मक होकर आप अपनी परिस्थितियों को नहीं संभाल पाते हैं। लचीलापन हमेशा आपको रचनात्मक बनाता है, इससे आप परिस्थितियों से सीखना जान जाते हैं। रचनात्मक आदमी ही असफलता से सीख और फीडबैक भी ले पाते हैं। ऐसे लोग यह समझने में सक्षम होते हैं कि उन्होंने कहां गलती की है, क्या सीख लेनी है और अगला कदम कब और कहां लिया जाना चाहिए। ऐसे लोग ही हट, नकारात्मकता और निराशावाद से भी निकल पाते हैं। दोस्तों, आप अपनी असफलता को दबाना या छुपाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। असफलता से पैदा होने वाली निगेटिव भावनाओं और विचारों को दबाना या झुठलाना नहीं चाहिए। हार का एक बड़ा कारण यह है कि लोग इसे दूसरों से शेयर नहीं करते हैं। अपनी असफलता को अपने करीबियों और समझदार लोगों से जरूर शेयर करें ताकि उनसे आपको कुछ इनपुट मिल सके। दोस्तों, आप सभी लोगों को प्रेरणा और संवेदनाशील होने की आवश्यकता है और आप नहीं हो पाते हैं। प्रेरणा और सपोर्ट नहीं लेना, अपने खास लोगों से बातचीत हमेशा मददगार होती है। इसके अलावा आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं उस क्षेत्र में सफल लोगों से जरूर बातचीत करें। उनसे यह जानने की कोशिश करें कि उन्होंने बाधाओं और असफलता का सामना किस तरह किया। इसके अलावा प्रेरणास्पद पुस्तकें, ऑडियो आदि की मदद जरूर। दोस्तों, आप सभी को हम एक बड़ी सलाह देना चाहेंगे कि आप असफलता के बाद भी रुकें नहीं। यह समझना बेहद जरूरी है कि असफलता महज एक पड़ाव है। यहां रुकना नहीं बल्कि इसे स्वीकारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। असफलता का विश्लेषण जरूरी है लेकिन इस पर मंथन करते हुए इससे चिपके रहना आत्मघाती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि अपने कार्य प्रणाली में कोई भी कार्य करें तो संभाल कर करें। किसी भी प्लान पर तुरंत काम शुरू नहीं करने से बचे। अक्सर हम प्लान तो बनाते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते हैं। यही कारण है कि अधिकांश लोग सफलता की दिशा में ठोस कदम रख भी नहीं पाते हैं। वे सोचते हैं कि प्लान जब परफेक्ट हो जाएगा तब इस पर अमल करेंगे, जो कभी हो ही नहीं सकता। हां, अपने प्लान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और फिर प्राथमिकता के आधार पर उसका क्रियान्वयन करें, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप लोगों को अपने हाथ में सम्मान में थोड़ा बढ़ावा देने की आवश्यकता है और आप ऐसा नहीं करते, इसलिए आप असफल हो जाते हैं। अपने आत्मसम्मान का स्तर नहीं बढ़ाना। याद रखें कि बाधाओं से उबरने में आत्मसम्मान का सबसे बड़ा हाथ होता है। इससे आप जिम्मेदारी स्वीकार करने से भी नहीं हिचकते हैं क्योंकि आपका आत्मबल मजबूत रहता है। इस बात को भी हमेशा याद रखें कि किसी भी तरह की असफलता के लिए आप 100% जिम्मेदार नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को संभाल कर रहने की आवश्यकता है, तो दोस्तों आप इन खास बातों को नजरअंदाज ना करें। अब चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कुछ आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में, जिसमें विशेष सावधानियां आपको जानने की आवश्यकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि हमारी वीडियो आप देखे तो है, समझते भी हैं, लेकिन इसे अपने दोस्त के साथ शेयर करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी भला करें और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां के बारे में, जिसे यदि आपने सावधानी पूर्वक सुन लिया तो आप लोगों का सफल होना तय है। सेहत अच्छी रहेगी। दिन की शुरुआत में ही आज आपको कोई आर्थिक हानि हो सकती है जिससे सारा दिन खराब हो सकता है। बच्चों के साथ समय बिताना खास होगा। आपका प्रिय आज रोमांटिक मूड में होगा। दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने की आपकी क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। आज आपको अपने जीवन साथी से एक बार फिर प्यार हो जाएगा। आपकी तंदुरुस्ती आज आपके घर वालों को खुशी देगी। चिड़चिड़ापन या क्रोध करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। क्रोध करना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक हो सकता है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ा रहेगा। आप अपने समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं जिससे आपकी प्रशंसा होगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से मन प्रसन्न रहेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो जिन जातकों ने अभी अभी नई नई ज्वाइनिंग की है उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिल सकती है। आप अपने कार्यालय में डरे हुए ना रहे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कार्य करें। आपको तरक्की अवश्य मिलेगी।
आप अपने कार्यालय में या अपनी शॉप में फायर सिस्टम से संबंधित इंतजामों को एकदम फिट रखें, अन्यथा दुर्घटना होने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। युवा जातकों की बात करें तो कल का दिन युवाओं के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जोश और उत्साह के साथ आप अपने कार्यों को पूरा करें। यदि आप परिवार से संबंधित कोई मुख्य फैसला लेना चाहते हैं तो उसमें आप परिवार के सदस्यों की राय अवश्य लें। आपकी सेहत की बात करें तो आपकी सेहत में अचानक से गिरावट देखने को मिल सकती है, इसीलिए आप अपनी सेहत के लिए पहले से अलर्ट रहे। किसी समय पर की गई अपनों की भूल अब परेशान की शक्ति है, लेकिन इसे ना ज्यादा डांस करें तो अच्छा है। आपको कोई नया और बड़ा प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है जिसके मिलने से आप बहुत अधिक खुश रहेंगे, परंतु आपको इसे पूरा करने में आपको अपनी क्षमता दिखानी होगी। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों को कल सावधानी से रहना होगा। आप अपने व्यापार में किसी भी प्रकार की उधारी के लेन देन से बचे, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है और आपका नुकसान हो सकता है। टेक्नोलॉजी मैनुअल कामों को आसान करने के लिए प्रयोग में की जाती है। युवा जातक इस बात का ध्यान रखें, किसी को अहंकार न दिखाएं। जोश में होश होने से बच्चे किसी भी मित्र के चक्कर में कोई वाद विवाद ना करें, इसमें अपना समय बर्बाद ना करें, इसमें अपने सभी जरूरी काम को हां निपटने का प्रयास करें। युवा स्मार्ट वर्क की तरफ ज्यादा ध्यान दें। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक यदि विदेश में नौकरी करने के लिए इच्छुक है तो उनके लिए विदेश में नौकरी की संभावना बन सकती है। आप अपनी तैयारी पूरी करें। आप अपने ऑफिस के कार्यों को बोझ समझकर न करें, बल्कि प्रसन्नता के साथ अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरा करने का प्रयास करें। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपको समय से लोन मिल सकता है, आपको बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। आपको इस बारे में शुभ सूचना प्राप्त जल्दी ही हो सकती है। अपने नजदीकी व्यक्ति के साथ ही अपनी पर्सनल बातों को शेयर करें, अन्यथा किसी बाहरी व्यक्ति के साथ कोई बात शेयर ना करें। यदि आपके घर में या आज पड़ोस में महिलाओं में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आप उससे दूर रहे, अन्यथा आपका अपमान हो सकता है। महिलाओं के बीच में ना बोले। आपकी सेहत के बारे में बात करें तो यदि आपके कोई पत्थर ही है तो कल आपको दर्द हो सकता है, इसलिए आप डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाइयां खाएं, तभी आपको आराम मिल सकता है। आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो कल आप अपने वैवाहिक जीवन को सरलता से और आराम से जीने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचे रहे। आप अपने बच्चों के खान पान का ध्यान रखें, उन्हें बाहर का खाना खाने से बचाए रखें, घर का बना हुआ संतुलित भोजन करें। आप इस महीने में अचानक से बहुत अधिक धन खर्च कर सकते हैं। आप अपना हाथ थोड़ा सा खींच कर चले, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है और आपका आर्थिक बजट भी बिगाड़ सकता है। अज्ञात भाई, आपका मन भटक सकता है, इसलिए आप अपने मन में किसी भी प्रकार का फिजूल का बहाना पाल, अन्यथा आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है, जिसका असर आपकी नौकरी पर भी बढ़ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों को कल लाभ प्राप्त हो सकता है। खास तौर पर अनाज के व्यापारियों को लाभ लेने के लिए सजग रहना चाहिए, अन्यथा आपके हाथ से मौका निकाल सकता है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों को कल ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अपना करियर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, हमेशा काम ही आता है। को थोड़ा सा सावधान रहने के लिए गए उनके पैरों में सूजन आदि से समस्याएं बढ़ सकती हैं। खास तौर से गर्भवती महिलाओं की बात करें तो गर्भवती महिलाओं को भी अपनी सेहत के प्रति सावधान रहना चाहिए और डॉक्टर से परामर्श लेते रहे। आप आर्थिक पानी के लिए हर तरह से प्रयास करते हुए नजर आएंगे। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप अत्यधिक लालच में आकर अपना ही नुकसान करवाने से बचें, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे मित्र, कुछ ऐसी करीबी आ सकते हैं जो आपको अधिक लाभ का लालच दे, जिसमें आप फंस सकते हैं। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों को कल अधिक चिंता से बचना होगा, क्योंकि चिंता के कारण आपकी सेहत खराब हो सकती है। अपने करियर को बनाने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है। आपकी सेहत की बात करें तो आपको रोगों से मुक्ति पाने के लिए अपने दिनचर्या में योगासन को स्थान अवश्य दें। नंगे पैर सुबह सुबह घास पर अवश्य चले, किसी की मदद कर सकते हैं। आप इस मौके से पीछे ना हटे, खुलकर मदद करें। बच्चों की बुरी आदतों को बदलने के लिए आपको अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार का उपयोग करना होगा। जहां तक हो सके विलासितापूर्ण वस्तुओं में निवेश से बचें।
अपनी प्रेम यात्रा शुरू करने से पहले आपको इसके फायदे और नुकसान के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। दोस्तों, इस समय किसी के ऊपर हद से ज्यादा भरोसा करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। तो मैं आप शादी विवाह जैसे शुभ कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं जहां पर कुछ पुराने मित्रों से आपका भेंट मुलाकात होगा, जिसके चलते आप काफी उत्साह से भरी नजर आएंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका यह जो समय है वह काफी ज्यादा कुशल मंगल रहने वाला है। दोस्तों, यदि आप अपने वाहन के द्वारा किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो वहां का अच्छे तरीके से देखरेख करके घर से निकले, नहीं तो आपका वहां बीच में धोखा दे सकता है। ट्रैफिक नियम का पालन कैसे करें, अन्यथा कोई बड़ा चालान कर सकता है। चलते हैं, आपका मूड खराब हो सकता है। प्रयास करें कि आप दोस्तों का मनोरंजन करते समय जरूर से ज्यादा खर्च करने से बच्चे आप अपने प्रेम संबंध सही करने के लिए स्वतंत्र और स्पष्ट चर्चा करें। आप अपनी रूखी त्वचा के लिए कोई उपाय खोजें। समस्याओं का हाल जानने के लिए आप कई व्यक्तिगत निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आपके अंदर एक नई भावना को जगाएगी जो आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। पूर्वजों की संपत्ति विरासत में मिलने का शुभ समाचार सुनकर आश्चर्यचकित ना हो आपको। कमीशन या ब्याज के रुपए मिलने का योग दिख रहा है। अपने प्यार का इजहार करने पर तनाव से मुक्ति मिलेगी। नियंत्रित आहार और नियमित व्यायाम आपके शरीर का वजन कम करने में मदद करेंगे। लोगों के साथ तालमेल कमजोर हो सकता है। दूसरों को सलाह बिल्कुल भी ना दें, अन्यथा लोग आपको गलत समझ सकते हैं। इस समय आपको भी निर्णय लें तो आप पूरे सोच विचार के साथ लें। किसी और व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी फैसला लेने से बच्चे, अन्य तो आपको नुकसान होगा। कारोबार क्षेत्र में यह जो समय है काफी अच्छा परिणाम हासिल होने वाला है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने बॉस का सहयोग मिलेगा, जिसके चलते आप हर एक बड़े से बड़े टारगेट को बड़े ही आसानी से पूरा करने में कामयाब होंगे। आपने जो लक्ष्य तय किया है अब आप कौन पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इनमें सफलता आपको मिलने वाली है। भविष्य की योजना बनाना आपके लिए कुछ मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपको अपने अंदर किसी खास कारण से कुछ बदलाव करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई आपका लंबे समय से अटका काम था तो वह अब सुला सकता है। आपके कार्यों में अधिकांश रुकावटें आपकी लापरवाही और अलसी के कारण ही आई है। आपको बता दें, इस समय में झूठ भी बातों से दूर रहे और साथ ही किसी भी अन्य व्यक्ति को वादा ना करें। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। हाल ही में किसी से हुई दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है। साथ ही पहले से चल रहे प्रेम संबंध और भी मजबूत होंगे। यदि किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते खराब है तो गलत फहमियां दूर हो जाएगी और आपकी जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आ जाएगी। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी से जुड़ी कोई उपलब्धि आपको सम्मान दिलाएगी। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से समय पूर्णतः अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। परिवार के साथ आनंद पूर्वक समय बिताने के मौके मिलेंगे। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से समय शुभ है। लव पार्टनर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा और नजदीकियां बढ़ेगी। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा। रिश्तों में छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें। जीवन में सफलता के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में भटक रहे थे तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति के प्रमोशन के योग्य बनेंगे। बिजनेसमैन को मनचाहा लाभ मिलेगा। कैरियर बिजनेस संबंधी यात्रा शुभ साबित होगी। बाजार में आपकी साथ बढ़ेगी। नई पीढ़ी का अधिकांश समय मौज मस्ती में बीतेगा। सप्ताह के मध्य में अचानक पिकनिक पार्टी का योग बनेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद सुलझेंगे। सामान्य और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अपने वरिष्ठ से निकटता का पूरा लाभ मिलेगा। ऑफिस में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पैतृक संपत्ति में रुकावट में दूर होगी। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री संबंधी मामलों में अभी ऐसा ना करें तो बेहतर है, क्योंकि मलमास का महीना चल रहा है। कामकाजी महिलाओं का ऑफिस और घर में सम्मान बढ़ेगा। शासन सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों की पदोन्नति हो सकती है। विशेष कार्य के लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया जा सकता है।